अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया है कि जब हम पहुंच गए हैं अल गफूर ग्रैंड सिटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग जो है वो मेरा इंतज़ार करते हैं और मैं आपका इस फील बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ। तो भाई फाइनली आपको इस बात का मैं बताता हूँ कि भाई ये जो ऑफिस नज़र आ रहा है आपको पीछे, इस ऑफिस में अभी कोई भी नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया और इनका जो नया एड्रेस है ऑफिस का वो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये आप देख लें और पढ़ लें और अगर हो सके तो आप लोगों ने यहाँ पे विज़िट करना है, क्योंकि अगर कोई भी पेमेंट वगैरह के हवाले से आपको लगता है कि भाई आपको जाना चाहिए तो आपको ऑफ़िस जो है वो चेंज हो गया है। तो बहरहाल ये तो रही आपको ऑफ़िस की अपडेट, अंदर चलते हैं, अंदर की देखते हैं पोजिशन क्या है क्या नहीं है और सोसाइटी अपने आपको क्या बता रही है और किस तरह अपने आपको पेश करती है ये तो मुझे मालूम नहीं है। वैसे मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ, ये आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सामने जो है ये कमर्शियल एरिया है, ठीक है ना। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 जो है वो टावर नज़र आ रहे हैं आपको, ये कमर्शियल एरिया है, 5 के 5 टावर नज़र आ गए हैं। इसके बराबर में भी पीछे आपको फ्लैट वगैरह नज़र आ रहे होंगे, अंदर चल के तफसील से बनाते हैं वीडियो, ठीक है ना। कॉटेज वगैरह और फ्लैट वगैरह या कमर्शियल जितना भी है एरिया उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो देर नहीं करिएगा, वैसा चलिए आइए। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर और मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग जो हैं वो पहले मुझसे शिकायत कर रहे थे कि यार फादी भाई आपने जो है वो ब्लॉक टू नहीं दिखाया। तो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई मैंने जो वीडियो स्टार्ट करी थी वो ब्लॉक टू से ही करी थी और ये वीडियो भी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ब्लॉक टू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पीछे जो आपको फ्लैट नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ पे माशाल्लाह मज़दूर आपको काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे और इसकी जो है वो छत भी डल चुकी है, ये आपके सामने ही है, ठीक है ना। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम चल रहा है। और इसी तरह ये ब्लॉक टू का कौन सा टावर है, टावर वन है या टावर टू है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई टावर नंबर क्या है, ठीक है ना। एक टावर के जो है वो 1 2 3 4 मतलब 4 जो है वो छतें ढल चुकी हैं, ये आप लोगों को देख रहे होंगे। और दूसरा जो टावर है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ कि भाई दूसरे टावर की पोजीशन क्या कहती है। दूसरे टावर की पोजीशन ये कहती है कि भाई वहाँ पे जो है वो 2 फ्लोर डल चुके हैं और तीसरी जो है वो छत आ रही है, लेकिन कब तक आएगी पता नहीं है। लेकिन ये है कि काम हो रहा है फाइनली, क्योंकि ब्लॉक वन की अगर मैं बात करूँ, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये जो ब्लॉक वन है ना माशाल्लाह, इस पर भी जो है वो एक और छत आ गई है, ठीक है ना। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ कि सामने आपको नज़र आएगा कि भाई एक और छत जो है वो उन्होंने डाल दी है और माशाल्लाह काम तो चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भाई माशाल्लाह बिल्डर के जो है वो 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2021 में जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और आज माशाल्लाह 2023 जो है वो इख्तिताम पर है। दिसंबर की आखिरी रातें हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं और उसमें जो है यहाँ पर माशाल्लाह काम चल रहा है अभी, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर अब जो हमारा ब्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह 1 साल बाद मतलब 2024 में आएगा, तो इंशाल्लाह उसमें भी कवर देंगे। हर महीने हम आपको अपडेट देते हैं इसी वजह से कि आप लोग जो है वो अपडेट रहें, ठीक है ना। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक कमेंट्स लाजमी करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई आप लोगों को हमारी जो ये मेहनत है, जो हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं हर महीने आप लोगों के लिए यहाँ आते हैं, ये आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कमेंट्स के ऊपर ही निर्भर है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई वाकई में भाई आप हमें पसंद कर रहे हैं और हम जो बना रहे हैं वो आप तक सही डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई ये आपके सामने भाई ब्लॉक टू, अभी भी बता रहा हूँ ब्लॉक टू, ठीक है ना। ब्लॉक टू का एक ये टावर है, टावर वन या टू मुझे नहीं मालूम है, अभी भी बता रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है। कल को आप बोले यार टावर वन आपने बोला था, टावर वन तो वो दूसरा वाला था, या ये टावर टू बोला था आपने, टावर टू ये है, वन ये है, फलामा ढमाका मुझे नहीं मालूम XYZ। तो ये आपके सामने भाई एक टावर, जैसे ही आप इंटर होंगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखें जैसे ही आप इंटर होंगे ना ये आपको सामने कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह इन्होंने कमर्शियल तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर दिया है कमर्शियल के ऊपर और मुझे लग नहीं रहा था कि कमर्शियल इतनी जल्दी वो ये बना देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको तो पहले जो है वो डिलीवर करना फ्लैट, लेकिन उन्होंने कर दिया कमर्शियल। बहरहाल कमर्शियल भी माशाल्लाह 1 2 3 4 5 छतें ढल चुकी हैं और मालूम नहीं इसके ऊपर है नहीं है, क्योंकि मुझे कमर्शियल के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। टावर का तो ये है कि माशाल्लाह 13 फ्लोर हैं, तो अभी माशाल्लाह आपके सामने 1 2 3 4 5 ढल गए हैं, 8 बाकी हैं और 2 साल का अरसा जो है मुकम्मल हो चुका है।
अब देखना ये है कि बिल्डर के पास 2 साल हैं, 2 साल में डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कुछ मालूम नहीं है। तो गाइज मैं आ गया इस टाइम पे ब्लॉक 2 के अपना टावर 1 या टावर 2 पे। मैंने बोला करीब से आपको दिखा दूँ क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने बोला यार करीब से दिखाऊँ। ये आपके सामने भाई नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह 1, 2, 3 तीसरी छत आ रही है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली काम चल रहा है, लेकिन ये कि चल रहा है माशाल्लाह। मज़दूर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी मज़दूर जो है वो काम कर रहे हैं और काम तो हो रहा है। कौन कह रहा था कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में जो है वो जितना इन्होंने बताया था कि 4 साल में डिलीवर करना है, क्या 4 साल में डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। असल मुद्दा ये है कि भाई 4 साल में डिलीवर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल का कहा था कॉटेज का कि भाई 2.5 साल में हम कॉटेज तैयार करके दे देंगे, तो उसमें तकरीबन 6 महीने बाकी हैं। तो अभी चलते हैं कॉटेज की तरफ और वहाँ चल के भी देखते हैं कि भाई उसकी सूरत हाल क्या है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं फिर आपको कॉटेज पे, आइए मेरे साथ। तो गाइज़ मैंने सोचा आप लोगों को भाई ब्लॉक 1 की भी तफसील दे दूँगा, भाई ब्लॉक 1 जो है वो अपने आप को क्या कहता है। तो ये आ गए भाई ब्लॉक 1 पे, ये देख सकते हैं आप, ये टावर 3 या टावर 4 है और माशाल्लाह इस सोसाइटी में सबसे बड़े टावर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 के ही हुए हैं, क्योंकि ब्लॉक 1 का जो है वो काम जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है और स्टार्ट से लेके अभी तक जो है वो हो ही रहा है। 1-2 टावर ये हैं और मैं आपको इधर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी 2 टावर हैं, टावर 1 और 2। इनके बनिस्बत ये काम जो है वो 1 और 2 पे कम हुआ है, जबकि टावर 3 और टावर 4 जो है वो ज़्यादा बन चुके हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह ब्लॉक 1 वाले तो खुश होंगे कि भाई माशाल्लाह उनके टावर जो है वो तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं और साथ साथ भाई फिर बिल्डर आपको पैसे का तकाजा भी कर रहा होगा कि भाई अब आप जिस तरह आपके टावर बढ़ लें इस तरह आप पेमेंट भी करें जल्द से जल्द। तो ये सारी बात थी, मैंने बोला आप लोगों को टावर 1 भी दिखा दूँ, नहीं तो टावर 1 वाले नाराज़ हो जाते कि भाई आपने हमारे जो है वो टावर क्यों नहीं दिखाए, तो इसलिए वो भी दिखाना ज़रूरी था। अच्छा मेरे सामने इधर आ जाए, ये आपको जो दिख रहा है ना ये टावर ब्लॉक 2 है, ठीक है ना। ब्लॉक 2 के जो ना ये 2 टावर हैं, ये पीछे बैक साइड वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टावर 4 या 3 है, मुझे नहीं मालूम कौन सा ये टावर 3 है कि टावर 4 है। बहरहाल स्टार्ट से फ्रंट से मैंने आपको दिखाए थे 2 टावर और ये बैक से है, ठीक है ना। ये सेंटर की जगह है जहाँ से आपको अंडरपास मतलब अंडरग्राउंड की जो है वो रास्ता नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाई भी थी कि भाई अंडरग्राउंड का रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो भाई ये है, यहाँ से 4 टावर आपको दिखेंगे जैसे जैसे जो है ये बनते जाएंगे। तो ये थी सारी टावर की कहानी, ठीक है ना। अब चलते हैं सामने कॉटेज की तरफ और कॉटेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो वहीं बताएंगे, ठीक है, आइए मेरे साथ।